गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार दोस्तों। आज हमारे दोनों बच्चे बस सोए पड़े हैं। क्यों? क्योंकि कुछ दिनों से इतना झगड़ा किया है, घर में इतना आतंक फैलाया है, तो निन्नू तो आएगी ही, है ना भाई साहब? तो इसलिए आज ये सुबह से दोनों के दोनों उठे नहीं हैं। कितनी बार उठा चुकी हूँ, खाना खा रहे हैं सो जाते हैं, खाना खाते हैं फिर सो जाते हैं। स्पेशली ये महाशय इतना थक चुका है, ये देखो एक महान प्राणी लेके आए बोन। चाह तो रहा है कि खेलूं, लेकिन वो उठ नहीं रहा आज। वो कह रहा मेरा मन नहीं है भाई, मैं नहीं उठूंगा। सम्राट का बिल्कुल मूड नहीं है खेलने का, है ना सम्राटी? कल इसने ज्यादा खा लिया था, फिर आज सुबह लूज मोशन भी हो गए थे, और अब देखो पड़ा हुआ है भाई। कोई खेलने वेलने से कोई मतलब नहीं है उसको, समझे रहा? बहुत कोशिश कर रहा है कि ये गुंडा उसके साथ खेले, लेकिन ये भाव ही नहीं दे रहा उसको। सम्राटी, तेरा ध्यान सिर्फ खाने में रहता है ना, सिर्फ खाने में, और किसी चीज़ से कोई मतलब ही नहीं है इस लड़के को। बस ये चाहता है कि मुझे सारा दिन बस खाना मिलते रहे, खाना मिलते रहे। और वो देखो, वो बोन मैंने सम्राट को दी थी कि ये काटा पीटी ना करे, लेकिन वो भाई साहब खुद लेके बैठे रहते हैं उस बोन को, कटर 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 कटर। इसको तो खानी, इसको अलग दी थी, इसको खानी ही नहीं है। इसको ना घर की चीज़ें खानी होती हैं, अगर कुछ ऐसी बोन बोन दे दो, कैल्शियम बोन दे दो, प्रोटीन बोन दे दो, या कुछ भी दे दो, वो नहीं खानी। कह रहा मम्मा मेरा मुंह मत दिखाओ, मेरा मुंह मत दिखाओ। अच्छा छुपा रहे मुंह, ये का कर ले होते हो? मस्ती 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 मस्ती, मैं पाली बेटी छमाती, मेरी छमतमाती का कर ली पाली बेटी, मस्ती कर ली है। और तुम क्या कर रहे हो भैया? बस उसका मिशन चालू है, पूरी ताकत लगा देगा आज वो। अब हुआ घर में युद्ध, खतरनाक वाला। सुबह से मैं यही सोच रही थी शांति कब तक चलेगी आज, ये देखना है। लेकिन नहीं भाई, नहीं, ज्यादा देर थोड़ी चल सकती है। कुछ देर की शांति रह सकती है इस घर में, फिर थोड़ी देर बाद वापस युद्ध शुरू। ये देखो शमशेरू, तो क्यों लड़ रहा है सम्राट से? ए शमशेरू, एक बोन के लिए झगड़ा हो रहा है दोनों का, लड़ो शाबाश। ये देखो भाई साहब कैसे सो रहे हैं, और एक भाई साहब पड़े हुए इधर। उसको पता नहीं क्या बिस्तर में सोने से दिक्कत होती है। और ये हेलो हकुरी, सो रहा है, ले उठी हकुरी। इस लड़के को मैंने कितनी बार उठा के बेड में सुला दिया, लेकिन उसको आज रास्ते में ही सोना है कि मम्मा आज इस कमरे से बाहर निकलना ही नहीं है, ना मैं खुद निकलूंगा ना आपको निकलने दूंगा, पूरा गेट ब्लॉक करके सोया है। वो तो आराम से बेड पे सो रहा है, तो मैंने सोचा इसको भी बेड पे सुला। कितनी बार बेड पे रख के आ चुकी हूँ, लेकिन वापस आके उसको ज़मीन पे ही सोना है, वो भी रास्ते के पास। ज़मीन में भी इतनी सारी जगह खाली है, लेकिन उसको वहीं पर सोना है, क्योंकि वहाँ से उसको रास्ता बंद करना है। और महाशय को पता नहीं आज अलग ही नींद आई हुई है भाई, पहली बार। घर में घुसाई एक मक्खी, और शमशेरा सो रहा था अच्छे से। मैंने उसको बोला शमशेरा मक्खी आ गई, ओ भाई तब से पीछे पड़ गया लड़का। ये देखो मक्खी ढूंढने में, उसकी नजर देखो कहाँ गई बेटू, मक्खी कहाँ गई? नहीं मिल रही मुझे भी, अभी तो मुझे भी नहीं दिख रही, रुक जा दिखेगी ना, मैं बताऊंगी तुझे कहाँ गई। अब वो सब जगह ढूंढेगा उसको किचन में। और इनको भैया को सोने से फुर्सत नहीं है। नहीं मिली क्या शमशेरा? पता नहीं कहाँ से आ गई, सारे दरवाजे बंद हैं, अच्छे से बंद हैं लॉक के सारे गेट, फिर भी पता नहीं कैसे अंदर आ गई है। मिली क्या शमशेरा? नहीं मिली। मक्खी कहाँ गई? मक्खी, मक्खी के नाम पे कान खड़े हो जाते लड़के के। मक्खी आनी पसंद उसको घर में, मक्खी नहीं आनी चाहिए, मम्मा कुछ भी आ जाए, है ना? उसने ना शायद उसको वहीं जाते हुए देख लिया, इसलिए बार बार वहीं जा रहा है। लेकिन वो गई कहाँ मुझे भी नहीं दिख रही है, अभी मुझे दिखी थी तो मैंने इसको बोला था कि मक्खिया कहाँ गई। मक्खी शमशेरू, नोने कहाँ, यहाँ चली गई? हे भगवान, शमशेरू कहाँ गई मक्खी? भाई वो पीछे ही पड़ गया, देख तो लिए शायद, मुझे ऐसा लग रहा है देख लिए। है क्या उधर, दिखाना जरा, वहाँ है क्या? मुझे तो नहीं दिख रही बेटू। सो सो के घर भर दिया इन लड़कों ने, पता नहीं कितना सोएंगे। और वो भाई साहब शमशेरा भाई साहब तो सो ही नहीं रहे, सपना भी देख रहे हैं। ये देखो करा दी बेइज्जती, जैसी मैं कुछ बोलती हूँ तो उनको उल्टा करना होता है। अभी तक फें फें कर रहा था, और जैसे ही मैंने बोला कि सपना देख रहा है,
वैसे ही शांत हो गया। वो देखो उसे आधी नींद भी है और आधी नहीं भी है। वो पड़ा है सारा बेड, वहाँ नहीं सोना, यहाँ सोना है दोनों भाई सबको। ये कैसे सोए भाई समझेरू सम्राट? नक्को बाबा सुननी ही नहीं है मेरी तो। 5 मिनट के लिए बाहर चली गई थी क्योंकि सब्जी लेके आनी थी, और मेरे आने तक इस लड़की ने, और आप लोग यकीन नहीं मानोगे, ये कोई मैंने ऐसी जगह नहीं रखी थी कि ये निकाल ले, सामान के इतने पीछे रखा था मैंने ये बांसुरी, वहां से निकाल के इस लड़के ने 5 मिनट में, मतलब भाई ये क्या करना चाहता है मुझे तो समझ ही नहीं आता। पूरा दिन मैं घर में थी, इसने कोई शैतानी नहीं करी है, बस सो रहा है। अब तुम प्यार कर लो उसको, और बहुत अच्छे काम किए उसने। घर में घमासान युद्ध चल रहा है, और क्यों हुआ है मुझे अभी तक पता है नहीं। मुझे पता चलेगा तो गाइज आप लोगों को भी बता दूंगी कि ये युद्ध क्यों शुरू हुआ है इन दोनों के बीच में। सब एक हाथ से मारा, वो भी जिद्दी कम नहीं है भाई, वो तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक समझेरा को ना धड़ाम ना कर दे। हुआ क्यों है ये तो कोई मुझे नहीं पता चल रहा भाई। युद्ध विराम लग गया मेरे वीडियो बनाते ही, उसकी पूछ अभी भी हिल रही है। मुझे पता था कुछ तो शैतानी चल रही है क्योंकि उसकी पूछ हिल रही थी। अभी देखते हैं फिर तुम करेगा।